हमारी पृथ्वी पर कई ऐसे स्थान हैं जहां इंसान की नजर अब तक नहीं पड़ी है। ये स्थान या तो समुद्र की गहराई में छिपे हैं या फिर गहरे जंगलों में मौजूद हैं। अब गहरे जंगलों का जिक्र आ गया है तो इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि जंगल का दूसरा नाम ही रहस्य है, क्योंकि वहां आज भी कई ऐसे चीजें अस्तित्व में हैं जिसका धरती पर से नामो निशान मिट गया है। जंगल में छिपी कुछ मिस्ट्रीज तो ऐसी हैं जो सदियों से वहां रह रहे आदिवासी जनजातियों से भी छिपी हुई हैं। आज हम जंगलों में छिपे कुछ ऐसे ही रहस्यों पर बात करेंगे जिनके बारे में लोग पहले से जानते हैं, लेकिन इनके सच होने के सबूत पर आज भी सवाल उठाया जाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आपने इन मिस्ट्रीज के बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टेड ओरंग मॉर्स, ये एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब है एक ऐसा जानवर जिसका अस्तित्व अभी भी सवालों के घेरे में है। लोग नहीं जानते कि इस तरह का जानवर असल में होता भी है या नहीं। माइथोलॉजी ऐसे जीवों के अस्तित्व को मानती है, लेकिन साइंस कम्युनिटी इस बात पर मुहर नहीं लगाती। क्रिप्टेड एनिमल्स का सबसे बड़ा उदाहरण यति है। हालांकि साइंस कई बार कई जानवरों को क्रिप्टेड टर्म से बुलाती है, लेकिन वो जानवर फिक्शनल न होकर असली होते हैं। इस तरह के इवेंट ज्यादातर अमेज़न में पाए गए हैं, जहां कई नए जानवर लोगों की नजर में आते हैं जिन्हें विज्ञान झुठला देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोलाकांत और अकापी, जिन्हें वैज्ञानिकों ने क्रिप्टेड बताया था, लेकिन आज विज्ञान की नजर में इस जानवर को स्वीकारा गया है। मलेशिया के जाहो जंगल में पाए जाने वाले ओरंग मॉर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां साइंस इन जानवरों के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारता रहा। ओरंग मॉर्स को देखे जाने की कई रिपोर्ट सामने आई, लेकिन साइंस को इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मलेशिया के निवासी इस जीव को असली मानते हैं। उनका कहना है कि ये एक होमोनॉइड है जो आकार में 10 फीट लंबा है और दो पैरों पर चलता है। देखने में भले ही इसके शरीर की बनावट इंसान जैसी है, लेकिन इसके पास लंबे काले फर हैं जो इसकी बनावट को मानव शरीर से अलग बनाती है। लोकल लोग ओरंग मॉर्स को हांटू गीगी कहकर बुलाते हैं, जिसका मतलब स्नेगलेट टूथ घोस्ट है। इन लोगों का विश्वास है कि ओरंग मॉर असल में फिश और ऑर्किड को खाकर जंगलों में जिंदा है। इन जीवों के साइटिंग्स की सबसे ज्यादा खबरें 1871 तक सुनने को मिलती थी, जब ये रोजाना लोगों को दिखाई देते थे, लेकिन इनके अस्तित्व में होने की खबरें आज तक चल रही हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि ये जीव जिगांटोफिथेकस की फैमिली से ताल्लुकात रखता है, जो कि प्राचीन समय में एप की प्रजाति के सदस्य रहे। कुछ लोग ओरंग मॉर्स को देखे जाने की खबरें पूरी तरह झूठला देते हैं। उनका मानना है कि ये एक ब्लैक बियर है जो अपने इलाके में फल और बाकी जीवों को खाकर जिंदा रहता है, और लोग इसे गलत प्रजाति से जोड़कर देख रहे हैं। ओरंग मॉर्स की साइटिंग्स की खबरें 1950 में भी काफी प्रचलित थीं और 2005 में इन्हें बड़ी तादाद में देखा गया था, जिन्होंने वैज्ञानिकों के जहन में भी इस बात को जगह दी कि शायद ये प्रजाति सच में एग्जिस्ट करती है। जंगल के पास काम कर रहे 3 लोकल वर्कर्स ने भी इनके देखे जाने की पुष्टि की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि 2 बड़े ओरंग मॉर्स और बेबी ओरंग मॉर नदी के पास चलते देखे गए। ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही परिवार हों। उनकी बात पर विश्वास करते हुए उस इलाके में जांच के दौरान 3 होमोनाइड के फुटप्रिंट भी सामने आए, जिसने ये बात तो साफ कर दी कि ओरंग मॉर्स के अस्तित्व का मिथ शायद सच हो सकता है। इस घटना से प्रेरित होकर 2006 में मलेशियन गवर्नमेंट ने ओरंग मॉर्स को ढूंढने के लिए सर्च अभियान भी शुरू किया। कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई, जहां इस बात का खुलासा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस प्रजाति को ढूंढ निकाला है, लेकिन सरकार ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया और इन जीवों के मिलने की सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। इस प्रजाति पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि ओरंग मॉर्स अचानक ही हमें इसलिए दिखने लगे क्योंकि इंसानों ने इनके इलाके में घुसने का प्रयास किया है। ये प्रजाति इंसानों से मिलना नहीं चाहती, लेकिन इनके घर पर कब्जा करने की वजह से ये बाहर आ रहे हैं। अगर ओरंग मॉर्स का अस्तित्व सच है तो आने वाले समय में यह साबित होकर रहेगा। ये प्रजाति एप से संबंध रखती है, लेकिन इस रहस्य से भी जल्द ही पर्दा उठेगा। आइस एज आर्ट डिस्कवर्ड इन अमेज़न रेनफॉरेस्ट। अमेज़न रेनफॉरेस्ट की गहराइयों में हाल ही में कुछ ऐसा मिला है जो वैज्ञानिकों को हैरान करने वाला है। दरअसल वैज्ञानिकों को अमेज़न में 8 मील तक फैला हुआ क्लिफ मिला है, जिसमें प्रीहिस्टोरिक एज की पेंटिंग्स बनी हुई है। ये तस्वीर कोई आम तस्वीरें नहीं है, बल्कि आज तक पाई गई प्रीहिस्टोरिक एज की सबसे बड़ी रॉक पेंटिंग्स में से एक है। अध्ययन बताता है कि ये तस्वीरें 12,000 साल पुरानी हैं और प्राचीन समय की जिंदगी से काफी हद तक जुड़ी हुई हैं। तस्वीरें बताती हैं कि 12,000 साल पहले उस क्षेत्र में रहने वाले आर्टिस्ट की जिंदगी कैसी रही होगी।
वैज्ञानिकों का अध्ययन बताता है कि ये तस्वीरें पहले इंसानों ने बनाई हैं, जिन्होंने जंगल को इनहेबिट किया होगा और इस क्षेत्र में रहना शुरू किया होगा। अपने अनुभवों को याद रखने के लिए उन्होंने इसे पत्थरों पर उकेरा होगा, जो आज हमारे सामने है। जाहिर सी बात है कि प्राचीन समय में जंगल का जीवन आज के मुकाबले काफी कठिन रहा होगा। तस्वीरों में प्राचीन लोगों ने उन जानवरों को उकेरा है जो उस समय धरती पर राज करते थे। आज के मॉडर्न जानवरों की तस्वीरें हमें कम ही देखने को मिलती हैं। रॉक पेंटिंग्स में ज्यादातर पैलियोलामा, कैमिलिड, जायंट स्लॉथ्स और एंशिएंट हॉर्स की तस्वीरें उकेरी गई हैं, जो 12,000 साल पहले धरती पर मौजूद थे। इसके अलावा हमें तस्वीरों में इंसान नाचते हुए अतरंगी मास्क पहने हुए भी दिखाई देते हैं, जो उनकी संस्कृति और कल्चर की झलक प्रस्तुत करती है। अमेज़न में इन रॉक पेंटिंग्स को खोजने का श्रेय ब्रिटिश कोलंबियन टीम के हेड जोस इरेती को जाता है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी साइट आर्कियोलॉजिस्ट की नजरों से कई समय से छिपी रही। इस रॉक पेंटिंग में कम से कम 10,000 तस्वीरों को उकेरा गया है, जो कोई आम बात नहीं है। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से ये एक बड़ी खोज है, जो 12,000 साल पहले अस्तित्व में रहे अमेज़न की तस्वीरें प्रस्तुत करती है। जोस इराती कहते हैं कि ये तस्वीरें हमें 12,000 साल पहले मौजूद जानवरों की तस्वीरें दिखाती है, जो आज विलुप्त हो चुके हैं। ये काफी दिलचस्प और इन्फॉर्मेशनल है, जो हमें आइस एज हॉर्स के बारे में हर एक छोटी डिटेल से वाकिफ करती है। जॉर्ज इराती का कहना है कि हालांकि हम नहीं जानते कि इन तस्वीरों का कोई धार्मिक एंगल हो सकता है या नहीं, लेकिन इन्हें देखने पर लगता है कि पुराने समय के लोग बड़े आकार के जानवरों को पूजते रहे होंगे, और अमेज़न का आकार प्राचीन समय में आज से कई गुना ज्यादा बड़ा रहा होगा, लेकिन समय के साथ बड़े जानवरों ने इसे बर्बाद कर दिया होगा। द मिस्टीरियस रोपन। वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि आज भी हमने धरती के कई हिस्सों को एक्सप्लोर नहीं किया है, इसलिए हम नहीं जानते कि इनके कौन से कोने में जानवरों और पौधों की दूसरी प्रजाति छिपी है। इन्हीं अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस में से एक है न्यू गिनिया में पपुआ के गहरे जंगल। इन जंगल से जुड़ी एक लेजेंडरी कहानी भी हमें सुनने को मिलती है, जो वहाँ रोपन स्पीशीज के छिपे होने की बात पर मुहर लगाती है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि रोपन एक विंग्ड रेप्टाइल है, जो बड़े आकार के बैट जैसा दिखाई पड़ता है और प्राचीन पेट्रोडेक्टाइल के वंश से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग इसे डेमन फ्लायर के रूप में भी जानते हैं, जिसका शरीर रात में चमकता है और अपने शिकार को आकर्षित करता है। ये जीव अक्सर रात को शिकार करता है और प्रमुख रूप से मछली को भोजन के रूप में खाना पसंद करता है। न्यू गिनिया के मूल निवासियों की कई लोक कथाएं इस पर आधारित हैं। कई लोगों ने इस जीव को न्यू गिनिया के सभी जंगलों में खोजने का प्रयास भी किया, क्योंकि उनका मानना है कि पृथ्वी उतनी भी पुरानी नहीं है जितना कि वैज्ञानिक सोचते हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि ये क्रिप्टिक जानवर शायद जंगल की गहराइयों में कहीं ना कहीं तो जीवित है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि क्रिएशनिस्ट ने रोपन जैसे जीव के अस्तित्व में होने की अफवाहों और कहानियों को बना है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि रोपन की साइटिंग्स की पहली पुष्टि एक वेल नोन एंटोमोलॉजिस्ट एविलोन चीजमैन ने की थी। ये घटना 1935 में घटित हुई थी। आज भी कई लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने रोपन को जंगलों में देखा है, लेकिन इसके अस्तित्व की कोई आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। एक्सपर्ट्स का विश्वास है कि ये प्रजाति धरती से कई साल पहले विलुप्त हो चुकी है, और जंगलों में होने वाली अनआइडेंटिफाइंग साइटिंग्स जायंट बैट से जुड़ी हो सकती है, जिसका विंग स्पैन 2 मीटर लंबा होता है। लेकिन लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि बैट्स का शरीर बायोल्यूमिनेसेंस के चलते नहीं चमकता, और ज्यादातर साइटिंग में लोगों ने रोपन के शरीर को फ्लैशेस की तरह चमकता हुआ पाया है। न्यू गिनिया के मूल निवासी का कहना है कि जंगल में इस तरह की कोई दूसरी प्रजाति मौजूद नहीं है जिसका शरीर चमकने में सक्षम हो, इसलिए इस प्रजाति को झुठलाया नहीं जा सकता। हालांकि विज्ञान अभी तक इसको नहीं खोज पाया, लेकिन रोपन पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए इसका अस्तित्व बरकरार है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विज्ञान इसके असल में जीवित होने की खबरों को कब सच करार देता है। और दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या वास्तव में ये जीव आज भी जीवित हैं या नहीं, या फिर ये एक मिथिकल कहानियां हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।